الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق جميعا بكامل قدرته ومحض إرادته وخلق الأيام كلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخبرنا عن الموت وما بعد الموت والصلاة والسلام على سيد النبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال صلى الله عليه وسلم एक साल गया एक साल नया है आने को एक साल गया एक साल नया है आने को पर वक्त की कोई कदर नहीं है नादानों को। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम और बुज़ुर्गान दीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि वक्त की देरी हुई, चूँकि मशहूर व मारूफ है कि शहर अज़ीज़ रास्तों पर गढ़े नहीं बल्कि गढ़ों में रास्ते हैं। ट्रैफिक की बिना पर पहुंचना कहीं था, पहुंच कहीं गए, इसलिए मैं ताखिर की बिना पर माजरत खाऊं। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये दौर बड़ा ही पुरफितन पुरख़तर है। कदम ब कदम पर इर्तेदाद की लहरें, अकायद व मामलात के बिगाड़ नज़र आते हैं। ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि हमारा साल मिसल महीनों के गुज़र रहा है, महीना मिसल हफ्तों के गुज़र रहा है, और हफ्ता दिन की तरह गुज़र रहा है, और दिन घंटों की तरह गुज़रता हुआ चला जा रहा है। साल के साल गुज़रते हुए चले जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। हालांकि नबी अकरम सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब साल महीने की तरह गुज़रते हुए चले जाएंगे, महीने हफ्ते की तरह, हफ्ते दिन की तरह, दिन घंटों की तरह। और आज हम वो लम्हात देख रहे हैं कि दिन इस तरीके से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। हो रही है उम्र मिसल बर्फ कम रफ्ता रफ्ता, चुपके चुपके दम बदम, जिस तरीके से एक बर्फ पिघलता हुआ चला जाता है, कहाँ से पिघल रहा है कुछ इल्म नहीं होता। इसी तरह आज हमारे उम्र भी पिघलती हुई ढलती हुई चली जा रही है। लेकिन याद रखना अजीज़ो, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, क्या वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम यौम अल-क़ियामत मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उमरिही फीमा अफना, कि कल क़यामत का दिन होगा, बंदे अल्लाह के हुजूर में खड़े होंगे, किसी इंसान के कदम अल्लाह की बारगाह के सामने से हट नहीं सकते जब तक कि वो पांच चीज़ों का सवाल न दे दे, सवाल का जवाब न दे दे। उनमें सबसे पहला सवाल होगा कि हमने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, तुमने अपने उम्रों को कहाँ ख़त्म किया, तुमने अपने उम्रों को कहाँ पर फना किया। कल के दिन हमारी इस उम्र की पूछ होगी। आज हमारी जिंदगियाँ गुजरती हुई जा रही है, आज शमसी एतबार से 2021 जाने के लिए तैयार है, 2022 आने के लिए तैयार है, लेकिन इतने साल हमने गुजार दिए, इतने साल हमारी जिंदगियों के कट गए, हमने क्या खोया क्या पाया, इसका हमें मुहासबा करना है। ये 2021 हमें बतलाता है कि हमें दो चीज़ों का मुहासबा करना है, दो चीज़ों के ऊपर नजरें करनी है कि हमने आज तक के कितने नेक आमाल किए, कितने आमाल हमारे अल्लाह के हुजूर में मकबूल हुए, कितने
आमाल अल्लाह के हुजूर में मर्दूद हुए, हमने कितनी नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ी, कितने रोज़े हमने पाबंदी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए रखे, और कितनी इताअतों के काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर हमसे अमल हो सका, और कितनी जगह हमने नाफरमानियाँ कर दी, अल्लाह के कितने हुक्मों को हमने तोड़ दिया, अल्लाह के कितने अहकाम को हमने पसे पुष्ट डाल दिया, अल्लाह के नबी की कितनी सुन्नतों की धजियाँ उड़ाई, कितनी सुन्नतों को पामाल करके ज़िंदगी गुजारते रहे। आज का दिन हमें यह मुहासबा करने की दावत देता है। उठाइए तिर्मिज़ी शरीफ, सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हासिबू अनफुसकुम कबल अन तुहासबू, कि पहले तुम अपने आप का मुहासबा करो कि तुम कितने पानी में हो। हर एक शख्स खुद का मुहासबा करे, हर एक शख्स जानता है कि मैं कितने आमाल कर रहा हूँ, कितने आमाल में दिखावे के लिए कर रहा हूँ, कितने आमाल के अंदर मैं रियाकारी के लिए कर रहा हूँ, कितने हुस्न अखलाक है जो अल्लाह के लिए, और कितने हुस्न अखलाक है जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं जानता। इंसान अपने आमाल के ऊपर खुद जानता है कि मैं कितने आमाल के अंदर हूँ, कितने आमाल के अंदर मैं कितने आमाल को मैं कर रहा हूँ और कितने आमाल को छोड़ रहा हूँ। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि तुम खुद अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए। हमें आज अपनी ज़िंदगी को टटोलने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी कोई मामूली ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है, और नेमत के ज़वाल के ऊपर खुशियाँ नहीं मनाई जाती, नेमत के ख़त्म होने के ऊपर खुशियाँ नहीं मनाई जाती, बल्कि अफसोस किया जाता है कि इतनी अच्छी नेमत अल्लाह ने हमसे ले ली, एक साल हमारी ज़िंदगी का कम हो गया, कब्रें हमारे करीब आ चुकी, मौत के फरिश्ते करीब आ गए, हश्र का मैदान करीब आ चुका, जन्नत और दोजख के मकामात करीब आ चुके, क्या फैसले होंगे, अल्लाह के हुजूर में क्या जवाब दही देंगे के मामलात होंगे, कब्र के अंदर क्या हालात होंगे, हमें ज़रा सोचना तो चाहिए, क्योंकि वो कब्र तो रोज़ाना चीखों पुकार किया करती है, अनबैतुल वहदा अनबैतुल गुरबा व अनबैतुल दूद, कि मैं तो तन्हाइयों का घर हूँ, मैं तो कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं तो तारियों को गढ़ा हूँ, उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं। सहाबे किराम तो अपनी मौत के लिए ऐसे तैयार रहा करते थे कि जब तस्किरा निकलता था तो उनके दिलो दिमाग में आता था कि हम तो तैयार है। अल्लाह के लिए वो इबादत के अंदर लगे रहते थे, अल्लाह के नबी के फरमान के ऊपर अमल किया करते थे, हत्ता कि एक मामूली सा फरमान भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हुआ करता था। बारहा हम वाकया सुनते रहते हैं सहाबे किराम की इताअत और फरमाबरदारी के, कि आवाज़ लगाई कि बैठ जाओ, जो सहाबी बाहर थे वो भी बैठ गए कि कहीं नाफरमानी ना हो जाए। लेकिन आज हम फरमान को सुनते हैं लेकिन अमल कितना होता है, आज बयानात होते हैं लेकिन सिर्फ कानों की हद तक के, कि आज हमारे दिल कल्ला बल रौना अला कुलूबी मा कानू यक्सिबून के मिस्ताक बन गए, कि आज हमारे दिलों के ऊपर मुहर लग गई कि खैर की बातें हमारे दिल के अंदर असर नहीं करती, खैर के ऊपर हमारा दिल आमादा नहीं होता, हमारे कदम खैर के रास्तों की तरफ गामजन नहीं होते, हमारी जबान के ऊपर खैर की बातें नहीं आती, और जबान के ऊपर आ रही है तो दिल के अंदर नहीं उतरती, आज क्या वजह हो चुकी। आज वजह यही है कि जो चीज़ रसूल ने दिया था उस चीज़ को छोड़ दिए, जो चीज़ गैरों ने दी थी उस चीज़ का इंतकाब करते रहे, उस चीज़ को मजबूती से पकड़ते रहे। आज का दिन फहाशी व उरियानियत का दिन, आज 31 का दिन बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जाता है, जुलूस और जलसे का इंतकाब किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है,
और वो काम होते हैं कि फरिश्ते भी लानतें भेजा करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी आम हो जाती है। नबी को न मालूम कितनी तकलीफें पहुंचती होगी कि वो उम्मत जिसके लिए मैंने रातों रात दुआएं की, दिन को भी न छोड़ा, रात को भी नहीं छोड़ा, इस उम्मत के लिए मैंने ताइफ में जाकर पत्थर खाए, मैं अपने अपने जिस्म को लहूलुहान किया, आज वो उम्मत के मेरे आमाल कर रही है, आज वो मेरी उम्मत ये आमाल कर रही है, ये गंदे अफ़ाल के मुर्तकिब है। आज हर एक अपने व्हाट्सएप के ऊपर और हर एक अपने स्टेटस के ऊपर 2021 के ख़त्म के ऊपर खुशियाँ का इजहार कर रहा है, क्या ये इस्लामी तरीक़ा है? नहीं मेरे अजीज़ों, उठाओ दौरे नबवी को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी साल की आमद के ऊपर कोई जश्न नहीं मनाया, कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उस वक्त तो दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवान मिनर रहमान व जिवाज मिनश शैतान, कि अल्लाह तो इस नए साल को जो हमारे ऊपर आ रहा है अमन व सलामती का साल बनाइएगा, और इस साल को ऐसा बना दे कि रहमान खुश हो जावे, तेरी रजा हमारे ऊपर आ जावे, शैतान से हम बचकर जिंदगी गुजारने लगे, शैतान की हिफाजत की दुआ किया करते थे। और इस रात के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, कि शैतानी कामों का इर्तिकाब किया जाता है, सरकार दो आलम तो शैतान के फितनों से हिफाजत की दुआ मांगा करते थे, और आज वो उम्मत जो नाम लेती है आशिक रसूल का, याद रखना आशिक रसूल कहने से कोई आशिक रसूल नहीं बनता, इश्क इलाही के अंदर अपने आप को डूबा हुआ समझ लेने से कोई इश्क इलाही से सरताब नहीं होता, कोई अपने आप को बड़ा वफादार कह दे तो वफादार कहने से कोई वफादार नहीं बनता, अमल करके बताओ तो पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, के मिस्दाक न बनो कि जो कहते हो उसके ऊपर अमल नहीं होता, बल्कि जो कहो उसके ऊपर अमल करते रहो। हम कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल है तो नबी की हर सुन्नत को मजबूती से थामने की जरूरत है, अगर हम कह रही है कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है तो अल्लाह के हर हुक्मों की इताअत हमारे जिम्मे लाजिम है, अगर हम कह रही है कि अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर हमारे दिलों के अंदर है तो फिर वो खौफ खुदा को पैदा करने की जरूरत है, जो राबिया बसरिया के अंदर थी, जो इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर थी, जो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के अंदर थी, कि हर काम खुदा की रजामंदी के लिए हो, कभी नाफरमानी ना हो। ये एक अजीब नुस्खा है, जिस बंदे के दिल में खौफ खुदा आ जाए तो वो कभी नाफरमानी नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा जब अपने बाप को पहचानने लगता है, अपने बाप का खौफ उसके दिल में आ जाता है, तो वो छोटा सा बच्चा अपने बाप की नाफरमानी नहीं करता, बल्कि अपने बाप को बड़ा ही मुती व फरमा बरदार बन जाता है। जब हम खौफ खुदा की बात करते हैं तो क्या आज हमारी भी वो कैफियत है कि तन्हाई का मामला हो, मोबाइल हाथ में हो और हमारी नजरें महफूज हो? नहीं हो सकता, आज हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं, आज खौफ खुदा को पैदा करने की जरूरत है, आज हमारी हमारी जिंदगी का मुहासबा करने की जरूरत है, कि आज हमने कितने आमाल किए, कितने आमाल को छोड़ दिए, और अल्लाह से दुआ मांगने की जरूरत है कि ए अल्लाह आइंदा साल जो तू दिया है ये तो गनीमत है कि तूने एक साल और बढ़ा दिया और जिंदगी अता कर दी, ए अल्लाह अब तो तू तौबा की तौफीक नसीब फरमा, अब तो तू अपनी इताअत फरमा बरदारी वाले काम हमसे करा ले। इग्तनिम क़बल इग्तनिम खमसन क़बल खमसिन, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि पांच चीज को गनीमत समझो, पांच चीज के आने से पहले, अल्लाह ने सेहत दी है तो बीमारी के आने से पहले सेहत को तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, ये तंदुरुस्ती बार बार नहीं मिला करती। हमने बाज वो लोगों को भी देखा है, बाज वो इंसान देखे हैं जो सर को पैन जमीन के ऊपर टिकाने से आजिज है, बैठकर नमाज पढ़ने के काबिल हो चुके हैं, अपनी पेशानी जमीन के ऊपर
नहीं रख सकते। हमने तो वो लोग भी देखे हैं जो लेट कर नमाज पढ़ने के काबिल हो चुके। अल्लाह ने आज हमें तंदुरुस्ती दी है तो तंदुरुस्ती को अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है तो हमारी तंदुरुस्ती की हिफाजत होनी चाहिए कबल इसके कि बीमारी तुम्हें आ दबोचे। अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है तो मौत के आने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो। ये मौत कब आकर तुम्हें दबोच लेगी अयनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। किसी को इसका इल्म नहीं है, तुम जहाँ कहीं पर भी जाओगे ये मौत अपना पंजा गाड़ के रख देगी। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर चीज़ का इनकार करने वाले मिल जाएंगे। अल्लाह की रुबूबियत का इनकार करने वाले, नबी की नबूवत का इनकार करने वाले, जज़ा व सज़ा का इनकार करने वाले, कुरान और अहादीस नबवी का इनकार करने वाले, आसमान का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे। अर्श फर्श हश्र दोज़ख जन्नत जहन्नम हर चीज का इनकार करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मौत का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, मौत का हर शख्स इकरार करता है और मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। ला तदरी, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। जब हबीब खुदा महबूब खुदा रहमतुल आलमीन जमाल कायनात जलाल कायनात हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पर्दा फरमा गए तो मैं और आप किस खेत की मूली, हमें भी मौत आकर दबोच लेगी कबल इसके कि मौत अपना पंजा गाड़े। मलकुल मौत आ जाए और वह आकर रूह को निकालने लगे, इससे पहले हमें उस दिन की तैयारी करने की जरूरत है। आज खुशी मनाने का दिन नहीं, आज अफसोस का मकाम है। और मेरे अजीजो, आज ये ईसाइयों का दैन है कि इस दिन के अंदर खुशियां मनाई जाती है, इस दिन में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले लोग हैं। हम उम्मत आखिरी उम्मत है, उम्मत इजाबत है, उम्मत दावत है। मेरे अजीजों, बस दरख्वास्त ये है कि जो काम नबी ने दिया उस काम को पकड़े रहे, जो काम सुलहा कर रहे हैं, उलमा कर रहे हैं, उन कामों का इर्तिकाब करे। और जो काम शयातीन के हैं, जो काम शयातीन के दज्जालों के हैं, जो काम दज्जाली फितनों के हैं, उस काम से हम परहेज करें और इस रात को गनीमत समझे और इस रात के अंदर अल्लाह की खूब इताअत करे कि कहीं अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आ जावे। क्योंकि इतनी नाफरमानियां की जाती है, जिना जैसा बुरा आमल, गीबतों का माहौल बरपा होता है, एक दूसरे के ऊपर लानतान होते हैं, इश्क मजाजी के अंदर लोग मुब्तला रहते हैं। हम तो अल्लाह के फरमाबरदारी के अंदर, काश के वो दिन भी आएगा कि अल्लाह के नबी भी मौजूद होंगे, सारे अंबिया मौजूद होंगे, हमारे नामे आमाल लाया जाएगा और उस वक्त कहा जाएगा कि जब पूरे लोग, जब इंसानियत के अक्सर लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला थे, मेरे ये वो बंदे हैं जो उस रात के अंदर अल्लाह के हुजूर में खड़े थे, अल्लाह की इबादत के अंदर अपने उम्रों को लगाए हुए थे, अपने कदमों को खड़ा किए थे, अल्लाह के लिए दुआ मांग रहे थे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, आजिज़ी वो इनके सारी कर रहे थे। तो कितना बेहतरीन मौका होगा। और काश किसी अदा के ऊपर अल्लाह मग़फ़िरत कर दे तो क्या कहना। हक ताला बहाना मीजोयद, हक ताला तो बहाना ढूंढती है, काश कि यही बहाना अल्लाह हमारा कबूल कर ले, इसी इबादत को कबूल कर ले और हमारी मग़फ़िरत कर ले। इसलिए इस रात को खास तौर पर कोई इबादत इस्लाम के अंदर इस रात के ऊपर मामूर नहीं है कि किसी मखसूस इबादत का हुक्म दिया गया हो, क्योंकि उस जमाने के अंदर ये दिन ऐसा नहीं था। उस दिन के अंदर तो मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती थी। और हमारा इस्लामी साल तो कमरी साल है, ये शमसी साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। शमसी साल के एतबार से अगर हम मान रहे हैं तो उसको भी मानते हैं, लेकिन हमारा असल महीना कमरी साल के ऊपर है। चांद के ऊपर हमारे महीने की बुनियाद रखी गई है, हमारा साल चांद का साल है, इसलिए उसे भी याद रखने की जरूरत है। अल्लामा अशरफ अली थानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब अगर पूरी उम्मत कमरी साल को भूल जाएगी तो फिर पूरी उम्मत गुनाह की मुस्तहिक बनेगी, क्योंकि ये इस्लामी कानून है, ये इस्लामी ज़ाबता है, इस्लामी लॉ है। इसलिए हमें कमरी साल को भी याद रखना है, शमसी साल को भी याद रखना है। बस अल्लाह से दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने उम्रों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, जो ज़िंदगी गुजर गई उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए और आगे के लिए लाहे अमल तैयार करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।